मैं दोस्त राठौर और इस वीडियो में बात कर रहे होंगे ट्रिपल आई टी नया रायपुर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो ट्रिपल आई टी नया रायपुर छत्तीसगढ़ के कैपिटल रायपुर के अंदर आता है। नया रायपुर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यार जो मोदी जी ने स्मार्ट सिटीज बनाने का जो प्लान निकाला था तो जो रायपुर भी उसमें से एक था और रायपुर को भी डेवलप किया जा रहा था और जिस एरिया को डेवलप किया गया उसे नया रायपुर कह दिया गया और ये कॉलेज भी उसी के अंदर पड़ता है। इस कारण से ट्रिपल आई टी नया रायपुर था। थोड़ा सा कनेक्टिविटी थोड़ी दूर पड़ जाती है, 25 किलोमीटर एयरपोर्ट और 13 किलोमीटर आपको रेलवे स्टेशन दूर पड़ जाता है यहाँ से। ट्रिपल आई टी नया रायपुर का एस्टेब्लिशमेंट 2015 में हुआ। ये ट्रिपल आई टी नाम है जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद है, वैसे ये भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नया रायपुर है, ना कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे आई टी हैदराबाद है, वैसा नहीं है। और नहीं ये ट्रिपल आई टी में आता, अगर आप जोसा की साइट में जाकर देखो तो ये आपको GFTIS में मिल रहा होता है। तो ये GFTIS में क्यों होता है, क्योंकि ये वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में नहीं आता और बाकी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी आप देख रहे होंगे कि वो जोसा में लिस्टेड नहीं है। वो अपना प्रोसीजर अपना मतलब कि वो अपना एडमिशन अलग से करता है, पर ये जोसा में लिस्टेड है तो इसे GFTIS के अंदर रखा गया है। और सर कैंपस साइज 55 एकड़ में फैला हुआ है जो कि ट्रिपल आई टी सबसे बहुत अच्छा है। और खुद का कैंपस है वही बहुत बड़ी बात है। 55 एकड़ में फैला हुआ है, ऑफकोर्स बहुत सारी जमीन खाली भी है पर और पर जितने इंफ्रा बनाए गए हैं वो वहाँ के बच्चों के लिए बहुत सफिशियंट है। आपको यहाँ पर बहुत सारे ग्राउंड्स वगैरह भी मिल जाते हैं। तो अब चलते हैं रिजर्वेशन की ओर की, देखते हैं क्या यहाँ पर रिजर्वेशन है। तो अगर हम रिजर्वेशन देखें तो आपको यहाँ पर 50% CG रिजर्वेशन मिल जाते हैं। ये रिजर्वेशन आपको मतलब जोसा साइड से डायरेक्ट नहीं मिल रहा होंगे, जोसा में आपको ऑल इंडिया कोटा के बेसिस में ही आपको यहाँ पर एडमिशन मिल रहा होगा। नो मैटर आप कहीं से भी अप्लाई करो, आप छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल होगी आपको जोसा में भी ऑल इंडिया बेसिस में ही सीट मिल रहा होगा। अगर आपको 50% स्टेट कोटा फाइल आउट डालना है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके। वहां पर आपको जिस समय जोसा की चार्जेस जो देते हैं उस समय ये भी अपना फॉर्म निकालते हैं, सेम जोसा टाइप शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह सब होती है, पर जो सिर्फ ये सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं जो छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल है। और जो ऑल इंडिया रैंकिंग से यहाँ पर अपना एडमिशन चाहते हैं वो उन्हें जोसा से ही अप्लाई करना पड़ेगा। WTC के स्पेशल में भी जा सकते हो। और वहीं देखें हम तो यहाँ पर 15% कोटा NTPC स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जिनके पेरेंट्स NTPC में काम करते हैं उनका यहाँ कोटा होता है, मतलब की और जो 35% बढ़ गया वो ऑल इंडिया कोटा होता है। इंडिया का कहीं से भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। ब्रांचेस 3 ब्रांचेस मिल जाएंगे, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक AC और CSE। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो हर वो कट ऑफ हर साल बहुत तेजी से हाई होते दिख रहे होंगे, 10-10 हजार का रैंक का फर्क आ रहा है। तो जो शुरू में जब कॉलेज नया नया था पहला बैच निकला भी नहीं था, किसी को कोई आइडिया नहीं था कि प्लेसमेंट्स कैसे हैं, तो उस समय कट ऑफ बहुत लोग ऐसे बहुत ही कम रैंक में आपको ये कॉलेज मिल रहा था। पर जब पहला प्लेसमेंट्स आया उसके बाद आपको धीरे धीरे 2020 में कट ऑफ बढ़े। पहले आपको अगर आप ऑल इंडिया कोटा देखो तो 40,000-50,000 रैंक तक आपको ऑल इंडिया कोटा मिल रहे थे, पर अभी पर उसके जैसे प्लेसमेंट आए उसको अब आपके गिर के 30,000 हो गए। तो अगर मैं ऑल इंडिया कोटा से बता देता हूँ, अगर आपको इसी चाहिए, अगर आप जनरल न्यूटर हो और जनरल हो और आपको इसी चाहिए तो यहाँ पास आपको 37,000 रैंक के अराउंड आपको मिल रहा होगा। वहीं आपको अगर डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए तो 25,000 रैंक के आसपास मिलेगा और CSE चाहिए तो 20,000 रैंक के आसपास मिल रहा होगा। ये है 2021 का, अगर आपको 2022 का देखना है अभी फ्यूचर में क्या होगा किसी को पता नहीं, पर फ्यूचर में डेफिनेटली बहुत ही अच्छा हो रहा होगा। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे इनके यहाँ के कट ऑफ और भी हाई हो रहे होंगे, आपको यहाँ रैंक मतलब कि आपको ये कॉलेज पढ़ने के लिए और भी अच्छे रैंक्स लाने पड़ रहे होंगे। आपको आज CSE 20,000 मिल रही है, 15,000 से पार में आपको मिल नहीं रहा होगा। अगर आप होम स्टेट से हो तो यही आपको 50,000 रैंक तक यहाँ पर कॉलेज मिल जाता है, पर अगले साल कम और भी ये हार्ड हो सकता है, यहाँ पर आपको 45,000 या फिर 40,000 रैंक तक कॉलेजेस ये मिल रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको हॉस्टल एंड मेसेस में आ जाए तो यहाँ पर आपको मतलब सभी फैसिलिटीज मिल रही होती है। और यहाँ पर 3 बॉयज हॉस्टल है, 1 गर्ल्स हॉस्टल है जो कि सफिशियंट है यहाँ पर अभी अभी के लिए जो बच्चे की आबादी है उसको संभालने के लिए। आपको हॉस्टल्स में सभी फैसिलिटी मिल रही होती है, जिम की फैसिलिटी इंडोर जिम आउटडोर जिम दोनों मिल रही होती है, क्रिकेट ग्राउंड वगैरह भी मिल रहे हैं, क्रिकेट ग्राउंड बैडमिंटन ग्राउंड टेबल टेनिस ये सभी भी मिल रहे होते हैं, साथ साथ बास्केट फुटबॉल ग्राउंड और स्विमिंग पूल भी बनने वाले हैं। मेस का खाना एवरेज है, ये डिपेंड करता है आप में कि आपको अच्छा लग रहा है आपके हिसाब से कैसा है, ये व्यक्तिगत रूप से
सबके अपने पर्सनल इसके ऊपर ओपिनियन हो सकते हैं। अगर हम फूड देखें तो यहाँ पर आपको एवरेज फूड मिल जाता है। इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट्स की बात करें, यही ये बहुत खास बात है इस कॉलेज की, यार बहुत अच्छा प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड यहाँ से देखने को मिल रहा है। इंटर्नशिप बहुत अच्छी लग रही है, आप खुद देख सकते हो ना कि जब पहला बैच निकला तो आपको 100% प्लेसमेंट दिख रही थी। साथ ही साथ आपको अच्छे खासे पैकेज मिल रहे थे, अच्छे कंपनीज आपको देखने मिलती थी, इंटरनेशनल कंपनीज भी आ रही थी। और आपको एवरेज हाईएस्ट पैकेज 28 लाख फर्स्ट ईयर में गया, एवरेज पैकेज 8.9 लाख तक जा रहे थे। अब उसे नेक्स्ट ईयर आपको देखने में बूम और देखने को मिल जाता है, और भी अच्छे प्लेसमेंट्स आपको देखने को मिल जाए। इंटर्नशिप की बात करें तो आप देख सकते हो यार इन न्यूज़ को, इसे इंटर्नशिप मिली है और इंटर्नशिप के बाद डायरेक्ट जॉब मिल रही होती है। 30-30 लाख तक का यहाँ पर इंटर्नशिप भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, साथ ही साथ प्लेसमेंट्स भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये आपका प्लेसमेंट रेशियो के मामले तो बहुत अच्छा कॉलेज हो जा रहा है। इवन छत्तीसगढ़ में आपको सबसे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा प्लेसमेंट्स के मामले। क्लब्स की बात करें तो यहाँ पर आपको सभी टाइप्स के क्लब्स मिल जाएंगे, टेक्निकल क्लब भी है, स्पोर्ट्स क्लब भी, लिटरेरी क्लब भी है। मतलब कि आपको कैंपस लाइफ बहुत अच्छा यहाँ पर मिल रहा होता है, जैसे सभी कॉलेज सभी एनआईटीज वगैरह मिल रहा होता है। थोड़े कम यहाँ के बच्चे पढ़ा होते हैं, पर तब भी बहुत अच्छे यहाँ पर आपको एनवायरमेंट देखने को मिल जाए। अगर हम करिकुलम की बात करें तो यहाँ पर करिकुलम ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद का फॉलो हो रहा होता है सेम, जो कि बहुत एडवांस करिकुलम है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है डेफिनेटली, पर इसी अगर थोड़ा मेहनत करोगे तभी यहाँ पर अच्छे प्लेसमेंट भी मिल रहे होते हैं इसी कारण से। और फीस की बात करें तो यहाँ पर आपको मेस की फीस लगभग एक सेमेस्टर की 30-35 हज़ार रुपये तक पड़ रही होती है। शुरुआत में कुछ 35 हज़ार रिफंडेबल कॉजन मनी वगैरह से होती है, और अगर आप सिर्फ मेस की चार्ज देखें तो ये आपको लगभग 30 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर पड़ रही होती है। वहीं अगर आपकी फीस की बात करें तो 90,000 रुपीज पर सेमेस्टर आपको यहाँ पर फीस पड़ रही होती है। वहीं अगर हम फीस वेयर की बात करें तो यहाँ पर आपको फीस वेयर नहीं मिल रहा होता है, मतलब जो ट्यूशन फीस में जैसे आपको एनआईटीज में फीस वेयर मिल रहा होता है आपको कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को देख के या फिर आपके एसटीएस क्रिटेरिया देख के, वो यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा होता है। मिला था चार्ज जो 2019 से पहले एडमिशन लिया उनको मिला, बट अब 2019 के बाद आप जो एडमिशन ले रहे हैं उन्हें फीस वेयर नहीं मिल रही, आपको पूरी फीस पे करनी होती है। डायरेक्टली आप जो भी डोमिसाइल स्टेट्स के वहाँ से वहाँ के स्कॉलरशिप ले सकते हो। तो प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो इस कॉलेज को ज्वाइन करने के प्रोज यही है कि प्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं, कॉलेज लाइफ भी अच्छी मिल जाती है, कैंपस बहुत अच्छा है, सुंदर सा कैंपस है, और लगभग आपको सभी टाइप की फैसिलिटीज मिल जाती है, और प्लेसमेंट सबसे अच्छा कारण हो जाता है, जो कि जो टॉप कॉलेज है इंडिया के उस टाइप के आपको प्लेसमेंट मिल रहे होते हैं, और डेफिनेटली आने वाले टाइप के साथ बहुत अच्छे और भी प्लेसमेंट्स आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे। वही अगर हम कॉन्स की बात करें तो आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हार्ड करिकुलम मिल जाएगा एडवांस करिकुलम में, क्योंकि तो आपको और जो आपका करिकुलम है वो चार से मतलब कि सही प्रोपोर्शन में डिवाइडेड भी है, तो आपको थोड़ी बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाता है आपको पढ़ाई के लिए। साथ ही साथ फीस की बात हो जाती है, जैसे बाकी आपको बाकी दूसरे कॉलेज में फीस वगैरह मिल रहा होता है वैसा आपको यहाँ पर फीस वगैरह नहीं मिल रहा होता है, वही यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। बाकी कॉलेज तो बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज आपको यहाँ पर आ रही होती है, बहुत सारे आईआईटीज के साथ इनका टाइप है, तो यहाँ बहुत सारे आईआईटी से आपको यहाँ पर इंटर्नशिप मिल रही होती है, साथ में बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से भी आपको यहाँ पर इंटर्नशिप मिल रही होती है, पर यही फीस थोड़ा दिक्कत कर जाती है 2019 के बाद जब उन्होंने ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आपको फीस का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कॉलेज है, इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन करो अगर मिल रहे तो। छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा कॉलेज हो जाता है, NIT रायपुर से भी अच्छे प्लेसमेंट आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं अगर आपको कंप्यूटर साइंस या फिर जो टेक ब्रांचेस है उसमें ज्वाइन करना है तो, इसलिए बहुत अच्छा कॉलेज हो जाता है। मैं ट्राई ज्वाइन नहीं किया, डेफिनेटली मेरे को फीस वाली प्रॉब्लम थी, मैंने इसलिए मेरे को NIT ज्वाइन करना था, तो इसलिए मैं NIT रायपुर भी नहीं, मुझे आउटसाइड स्टेट जाना था, तो मैंने NIT ज्वाइन कर लिया।